brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. यूपी की राजनीति में अचानक कुछ ऐसा हुआ है कि रातों रात मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद की चर्चा होने लगी है। उन्होंने आकाश को अपने उम्मीदवार के पद से हटा दिया। अब जब मायावती की चर्चा हो रही है, इसी बीच में उन्हें लेकर एक दावा भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा है कि मायावती अब बीजेपी के साथ है। सिर्फ साथ ही नहीं, वो मन से बीजेपी के लिए वोट भी मांग रही है। ये वायरल वीडियो देखें। श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो आपको फ्री में राशन दिया है, ये जो कर्ज है तो इस चुनाव में आपको अदा करना है। वोट के रूप में बीजेपी को वोट देकर आपको ये कर्ज अपना अदा करना है। वीडियो को वायरल करते हुए लिखा जा रहा है कि अब तो मायावती ने भी कर दिए बीजेपी को वोट देने की अपील। किसी ने एक्स पर लिखा कि हिंदुओं से मायावती की अपील, बीजेपी को वोट दें। लेकिन सवाल था कि क्या मायावती ने ऐसी कोई भी अपील की है। इसके लिए हमने शुरू किया इसका फैक्ट चेक करना, जिसमें हमें मिले अपनी एक सहयोगी आज तक की एक रिपोर्ट। आज तक की फैक्ट चेक टीम ने कीवर्ड सर्च के जरिए वायरल दावे का पूरा सच पता लगाया था। सच तक पहुंचने की कोशिश में वीडियो तक भी पहुंचा और वीडियो के की फ्रेम को रिवर्स करके सर्च करने पर वायरल टुकड़े का पूरा वर्जन मिला। बहुजन समाजवादी पार्टी के यूट्यूब चैनल पर 4 मई 2024 को मायावती का भाषण लाइव स्ट्रीम किया गया था। मायावती ने यूपी के आगरा में यह भाषण दिया, जहां 7 मई के तीसरे चरण में वोटिंग की गई थी। इस भाषण में असल में मायावती ने क्या कहा था, आप खुद वो पहले सुन लीजिए। यहाँ असेंबली का चुनाव हुआ तो असेंबली के चुनाव में भी और अब लोकसभा चुनाव में भी पूरे देश के अंदर तो जो सर्व समाज में से जो गरीब लोग हैं, जिनको इन्होंने फ्री में थोड़ा राशन आदि दिया है, खाद्य सामग्री आदि दी है, तो उसके एवज में तो ये इन्होंने असेंबली के चुनाव में भी लोगों को गुमराह करने के लिए और अब लोकसभा चुनाव में भी तो बीजेपी और आरएसएस के लोग तो अपने कंधे पे थैला टांग कर तो गांव-गांव में घूम रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि देखो श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो आपको फ्री में राशन दिया है, तो आपके ऊपर मोदी जी का बहुत कर्ज है, तो आप कर्ज के रूप में तो आप ये जो कर्ज है तो इस चुनाव में आपको अदा करना है। वोट के रूप में बीजेपी को वोट देकर आपको ये कर्ज अपना अदा करना है। लेकिन मैं अपने ऐसे सभी लोगों को, गरीब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि वर्तमान में केंद्र की जो भाजपा सरकार ने जो गरीब लोगों को थोड़ा जो फ्री में राशन आदि दिया है, तो ये कोई बीजेपी ने अपनी जेब से नहीं दिया है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जेब से नहीं दिया है, बल्कि आप लोग जो यूपी गवर्नमेंट को या केंद्र की सरकार को जो भी टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से टैक्स तो आपका है, टैक्स जनता देती है, तो जो पैसा आप लोग टैक्स के रूप में देते हैं उस पैसे से ये राशन दिया जा रहा है। भाषण के असली क्लिप सुनने से ही ये पता चला कि वायरल वीडियो को एडिट किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और इसके बाद मायावती के भाषण के मायने ही बदल दिए गए। यानी फैक्ट चेक में साफ हो जाता है कि मायावती का वायरल वीडियो एडिटेड है। मायावती अपने भाषण में बीजेपी पर हमलावर थी। उनके अधूरे वीडियो को शेयर करके बीजेपी के लिए वोट मांगने का भ्रामक दावा किया जा रहा है। इसलिए न्यूज़तक भी आपसे खास अपील करता है कि ऐसी कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हो और जिसकी सच्चाई आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और तब तक आप देखते रहिए न्यूज़तक।